स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षक, बच्चे और बहुत से कर्मचारी अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों में बिताते हैं, जिसके लिए स्कूल के परिसर को साफ, सुरक्षित और मजबूत बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए NCPCR ने सभी प्राधिकारी वर्गों, मंत्रालयों, विभागों द्वारा 22 अलग अधिसूचित दिशा निर्देशों अथवा निर्धारित दिशा निर्देशों को एक मैनुअल में संकलित किया, जिसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा करना है। इसी के हेतु विभिन्न विभागों और NCPCR मिलकर स्कूल की सुरक्षा के लिए कई आवश्यक नियमों को लाई है, जिसे हर स्कूल में लागू करना अनिवार्य है। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो स्कूल की इमारतों का निर्माण प्राथमिक रूप से ईंट या पत्थर और छत का RCC से होना चाहिए। सभी स्कूलों की इमारतें अधिकतम 3 मंजिल की होनी चाहिए, जिसमें छोटे बच्चों की कक्षाएं यानी नर्सरी और प्राइमरी कक्षाएं भूतल पर होनी चाहिए। सभी इमारतों में वायु संचार और उचित प्रकाश की व्यवस्था भी उपलब्ध होनी चाहिए। स्कूलों की सभी इमारतें आग और प्राकृतिक आपदा रोधक होनी चाहिए, यानी ये इमारत किसी भी प्राकृतिक आपदा के खिलाफ मजबूत होनी चाहिए। स्कूलों की कैंटीन या रसोई स्कूल की इमारत से दूर होनी चाहिए और उसमें आग का उपयोग सुरक्षित तरीके से ही किया जाना चाहिए। यदि स्कूलों में CCTV लगे हैं, तो उनकी नियमित रूप से जांच या निरीक्षण किया जाना चाहिए।